हेलो दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में किस तरीके से हम लोग काम करें कि हमारे नुकसानात कम हो, डैमेजेस कम हो, रिपीट फेल्यूर कम हो और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा प्रोसेस के साथ में, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में काम करिएगा तो आपके लॉसेस जो हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे। और ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली अपने को इम्प्रूव करते रहते हैं। प्रॉफिट हमारा बढ़ना चाहिए, लॉसेस हमारे कम होना चाहिए। और लॉसेस उसी वक्त बढ़ते हैं जब हमारी रिपीट फेल्यूर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी जुगाड़ वाला काम नहीं कर रहे हैं, सही मशीनों का इस्तेमाल करके सही तरीके से, सिंपल तरीके से हम लोग सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है दो, ये हमारे पास जब ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो फ्लेम से गर्मी ज़्यादा निकलती है। तो ये जो मेटेलिक पीस आपने देखे तो ये सेफ करते हैं उस हीट को फैलने से। तो यहाँ पे एक ऑक्सी एसिटिलीन टार्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करी थी। हम एक कंप्रेसर को ब्रेज करके सिस्टम में और गैस चार्जिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, बराबर से पाइपलाइन को गर्म किया जा रहा है और फ्लक्स लगा के उसको प्रॉपर वे में ब्रेज किया जा रहा है। ये चार्जिंग लाइन जोड़ रहे हैं। ब्रेजिंग में थोड़ा ख्याल क्या रख रहे हैं कि प्रॉपर हमारी फ्लेम बने और बहुत ज़्यादा मटेरियल हमको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जब मटेरियल पाइप की गर्मी से मेल्ट होता है तो पूरे तरीके से ब्रेजिंग होती है। अब हम इसमें प्रेशर डाल के चेक करेंगे। कई चीज़ें हम लोग यहाँ पे वो चेक करेंगे जो हमारे सिस्टम को बचा के रखेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने कैपलरी जोड़ी है, बहुत बार कैपलरी चोक हो जाती है। तो यहाँ पे ये कपलर्स आपने देखे, फीमेल और मेल कपलर्स है। नाइट्रोजन चार्ज कर रहे हैं इसमें, नाइट्रोजन चार्ज करके हम करीब करीब 100 पाउंड, 110 पाउंड के आसपास ही नाइट्रोजन चार्ज करेंगे। और नाइट्रोजन चार्ज करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज से नाइट्रोजन निकाल रहे हैं और कैपलरी में भी देख रहे हैं, कैपलरी में भी देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का प्रेशर हल्का हल्का उसमें भी आना चाहिए, मींस कैपलरी क्लीन है। फिर कैपलरी हम जोड़ने के बाद भी एक बार चोक टेस्टिंग करेंगे कि कहीं मेरी कैपलरी चोक तो नहीं हो गई है। दोस्तों, ये ड्रायर है, इस ड्रायर में सिलिका जेल चार्ज होता था, अभी आजकल के ड्रायर्स में एक्टिवेटेड एल्यूमिना चार्ज हो रहा है। ये क्या करता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डेसिकेंट होता है और दो जालियां होती हैं। ये रेफ्रिजरेंट में मौजूद मॉइस्चर को अपने अंदर सोख लेता है। 7 ग्राम के, 10 ग्राम के, 12 ग्राम के ड्रायर्स होते हैं और जालियां जो हैं वो महीन होती हैं, क्योंकि कैपिलरी आगे महीन लगने वाली है। तो ये जालियाँ जो हैं वो कोई भी अगर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसको रोक लेती हैं ताकि कैपिलरी को चोकिंग से बचाया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग ड्रायर लगा रहे हैं, देखिए कैपलरी को इसमें इंसर्ट किया, कैपलरी की कटिंग भी प्रॉपर है। ड्रायर पे कैपलरी को टच कर रहे हैं, एक सर्किल सा बना रहे हैं ताकि कैपलरी हिलने डुलने से टूटे नहीं। और देखें यहाँ पे ये 2-वे ड्रायर है, इसमें एक हम अलग से पाइप और लगाएंगे और वैक्यूम करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि हम हाई साइड और लो साइड से वैक्यूम एक साथ करें। यहाँ पे हम ये ब्रेजिंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली ब्रेजिंग करेंगे। अगर टॉर्च अच्छी है, अगर इक्विपमेंट अच्छे हैं, अगर हमने फ्लक्स अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, अगर हम रॉड अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं भी हमको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से हम कैपिलरी को ब्रेज करेंगे। ब्रेज करने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं, एक मेटेलिक स्क्रबर होता है, ब्रश होता है, जिसमें ब्रास की ब्रश होते हैं और इसको हम क्लीन करते हैं जो फ्लक्स ऊपर इकट्ठा हो गया है, ताकि जब हम लीक टेस्टिंग करें तो हमको सही रिजल्ट्स पता लगें। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो उसके बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पे अभी इसको क्लीन कर रहे हैं, ड्रायर को भी क्लीन कर लिया चारों तरफ से, ऊपर भी कपलर लगा दिया है, मेल फीमेल कपलर्स मिलते हैं, या आप लग यूज़ कर सकते हैं, या वॉल्व भी होते हैं, वॉल्व यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 100-120 पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। पहले हमने क्या किया, देखिए डिस्चार्ज जो हमारा एंड है,
कंडेंसर का, वहां से हम प्रेशर डाल रहे हैं, ये प्रेशर अब कंप्रेसर की तरफ से नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे रीड इसको रोक लेगी हेड पे। कहां से प्रेशर आएगा? कैपिलरी से होता हुआ और चार्जिंग लाइन से निकलेगा। तो ये 100% प्रूफ करेगा कि कंप्रेसर पुअर पंपिंग नहीं है। दूसरा प्रूफ करेगा कि जो हमने कैपिलरी लगाई है उसके अंदर किसी तरह की भी चोकिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रेशर यहाँ पे चार्ज किया, नाइट्रोजन है ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए यहाँ से ये प्रेशर निकल रहा है। तो बहुत छोटा सा ये टेस्ट है लेकिन कैपिलरी कन्फर्म करता है कि कैपिलरी चोक नहीं है और कन्फर्म करता है कि हमारी कंप्रेसर में पंपिंग ठीक है, पंपिंग डाउन नहीं है। तो ये नाइट्रोजन चार्ज कर दी। नाइट्रोजन चार्ज करने के बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग झाग बना के लीक टेस्टिंग कर लेंगे। ये हम लोग लीक टेस्टिंग कर लेंगे यहाँ पे। लीक टेस्ट करने के बाद बहुत जरूरी होता है कि हम इस जो प्रेशर हमने चार्ज किया है इसको एग्जिट आउट कर दें। बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस हालत में अगर आप गर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे तो नुकसान होने वाला है। तो नाइट्रोजन प्रेशर को बाहर निकाल देंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल हमारी एसेसरीज हैं जो हमने अलग कर दी थी ब्रेजिंग के टाइम पे कि जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए, प्लास्टिक के पीसेस थे, वो सारी चीज़ें हम इसमें दोबारा से फिट कर देंगे। अर्थिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रॉपर वे में वैक्यूम करेंगे। अब वैक्यूम करने के लिए हम लोग दोनों तरफ से वैक्यूम करेंगे। ये प्रेशर निकाल रहे हैं जैसे हम लोग बात कर रहे थे, नीचे ऊपर से नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल दिया और अब हम यहाँ पे हाई साइड और लो साइड दोनों तरफ से वैक्यूम करेंगे। अच्छा वैक्यूम पंप यूज करेंगे। अच्छा है, बेस्ट है कि आप 2 स्टेज का ही वैक्यूम पंप यूज करें और रिकॉग्नाइज कंपनी का वैक्यूम पंप यूज करें। और वैक्यूम पंप ऑयल ही पड़ता है। बहुत से लोग कंप्रेसर ऑयल या कोई भी ऑयल डाल देते हैं, एकदम वैक्यूम पंप की जान चली जाएगी। जिस कंपनी ने बनाया है उसको पता है किस विस्कोसिटी का ऑयल यहाँ पे पड़ेगा, उसी विस्कोसिटी का ऑयल इसमें चार्ज करेंगे। और एवरेज 75-80 मशीनों के बाद इसमें हमको वैक्यूम पंप ऑयल चेंज करना चाहिए क्योंकि ऑयल पर ही बेस होके ये वैक्यूम करता है। ये देखिए एक वैक्यूम गेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम गेज है। हमारी एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर मौजूद है 7,60,000 माइक्रोन प्रेशर मौजूद है। इस 7,60,000 माइक्रोन में से हम कोशिश करते हैं कि इतना प्रेशर हटाएं, इतना वैक्यूम करें कि 500 माइक्रोन से नीचे प्रेशर रह जाए, तब हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। हम वैक्यूम गेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गेज काम करने लगा। 900 माइक्रोन तक हम लोग प्रेशर को ड्रॉप करके ले आए, 500 माइक्रोन तक आ गया, मतलब अब हमारी मशीन जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। एक बार एक चीज़ और चेक करते हैं। जब हमने वैक्यूम कर लिया और प्रेशर ड्रॉप होके हमारा 500 माइक्रोन के आसपास आ गया, तो एक बार वैक्यूम पंप के वाल्व को बंद करेंगे। ये वाल्व बंद करने के बाद हम देखेंगे कि प्रेशर हमारा बढ़ तो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा क्योंकि इस पर ये मॉइस्चर अंदर बॉयल हो रहा है। देखिए गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप वैक्यूम करना शुरू करते हैं, अच्छे पंप से वैक्यूम करते हैं, खुद ब खुद मॉइस्चर अंदर उबलने लगता है और उबल के बाहर खींच कर आने लगता है। मॉइस्चर हमारा, पानी हमारा 4372 माइक्रॉन पे 0 डिग्री पे उबलने लगता है। तो वहाँ तो 30-35-40 डिग्री बहुत टेम्परेचर मौजूद है। तो दोस्तों कभी भी ज़रूरत नहीं है कंडेंसर को गर्म करने की, कूलिंग कॉयल को गर्म करने की। जब आप गर्म करते हैं कंडेंसर कूलिंग कॉयल को तो उससे नुकसान ही होता है। कूलिंग कॉयल को अगर आपने गर्म किया, अभी तो एल्युमिनियम के कूलिंग कॉयल हैं, ख़राब हो सकते हैं, प्लस उसमें अगर सेंसर लगा हुआ है या थर्मोस्टेट की टेल लगी हुई है तो वो भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसको इतना गर्मी झेलने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर हमने माइक्रोन गैस से वैक्यूम कर लिया और अब हम लोग तौल के एक्यूरेट गैस चार्ज करेंगे। देखिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है। वन टाइम आपका पैसा लगता है लेकिन हमेशा हमेशा की आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक वेइंग स्केल है जो मार्केट में अवेलेबल है। ये देखिए हम लोग एक सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोकार्बन यहाँ चार्ज कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ब्लेंड, उसके ऊपर का वाल्व है ये।
हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ होगी, साफ़ सुथरी होगी, बढ़िया होगी, क्वालिटी की होगी, तो हमेशा आपको आसानी होने वाली है। हाइड्रोकार्बन ब्लेंड चार्ज कर रहे हैं, तो ये दो रेफ्रिजरेंट्स हैं, प्रोपेन है और आइसोब्यूटेन है, R290 है, R600A है, KR30 के नाम से भी आती है ये। इसको हमेशा सिलेंडर उल्टा करके चार्ज करेंगे, सिलेंडर को रिवर्स करके चार्ज करेंगे, ताकि लिक्विड की हालत में ही जाए। तो एक सिंपल सामने यहाँ पे एक स्टैंड बनाया हुआ है, कोई बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई है, सिंपल सा स्टैंड है। स्टैंड हमने रख दिया वेइंग स्केल पे और इसके ऊपर हमने सिलेंडर रख दिया। अब ये हमारी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा कि जो हम लोग चार्जिंग लाइन यूज़ कर रहे हैं वो चार्जिंग लाइन बिल्कुल महीन सी है, तो कैपिलरी की बना सकते हैं आप लोग, या मार्केट में ऐसी चार्जिंग लाइन्स मिलती हैं। इसमें आपका वेस्टेज कम होगा, और हम क्या करेंगे, हमने वैक्यूम किया है, हमने किसी स्टेज पर भी कोशिश नहीं की है कि इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी पानी जाए। कंप्रेसर को खुले में एक सेकेंड भी नहीं चलाना है, पूरी कोशिश करना है कि पानी इसके अंदर, मॉइस्चर इसके अंदर बिल्कुल ना जाने पाए, मतलब एयर ना जाने पाए। एयर जाएगी तो मॉइस्चर लेके जाएगी। इसी मारे ड्रायर को हम उसी वक्त लगाते हैं जब बिल्कुल सब तैयार हो गया। ऐसा नहीं कि ड्रायर खोल कर रख दिया, फिर इंतज़ाम कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हम ये महीन सी लाइन भी लगा रहे हैं, इसको भी वैक्यूम कर लेंगे, ताकि हमारे सिस्टम में जिसको काम करना है वो ही जाए। मतलब रेफ्रिजरेंट को वर्क करना है तो सिर्फ रेफ्रिजरेंट ही इंटर हो। तो हमने इसको भी वैक्यूम कर लिया, चार्जिंग लाइन को। अब देखिए हमारा वॉल्व तैयार है, सिस्टम तैयार है, पर 37 ग्राम्स इसमें चार्ज होगी हाइड्रोकार्बन। तो हम एक एक ग्राम धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ये इत्मीनान का काम है दोस्तों, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एग्जैक्ट क्वांटिटी हम चार्ज करेंगे। 37 ग्राम्स हो गई। अब यहाँ से वॉल्व को बंद कर देंगे। ये काम हमने बिल्कुल परफेक्शन के साथ किया है, तो खराबी होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक और भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वेइंग वॉल्यूम के हिसाब से तोलने का एक सिस्टम आता है, जिसमें एक्यूरेटली हमको लिक्विड दिखता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो ये भी आपको पहले आता था, शायद मुश्किल से मिले, लेकिन ये एक सिस्टम ये भी होता है रेफ्रिजरेंट को तोलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गैस चार्जिंग कर रहे हैं, और गैस चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद 37 ग्राम जिसमें चार्ज किया, अब हम लोग इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या नहीं। और परफॉर्मेंस हम लोग सिंपली इसके एम्पियर चेक करेंगे और इसमें आने वाला टेम्परेचर चेक करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर मल्टीमीटर होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन ब्लेंड वाला कंप्रेसर है ये, एक एम्पियर के आसपास लेगा, 0.9-0.8 के आसपास एम्पियर लेगा। बैक प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे बैक प्रेशर का कोई इसमें रोल है नहीं, क्योंकि हमने तौल के चार्ज किया, तो बैक प्रेशर आपको हमेशा परफेक्शन के साथ ही मिलेगा। तो ये मशीन हमारी परफेक्टली बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको सील करेंगे। सीलिंग के लिए भी देखिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का सीलिंग टूल होना चाहिए। ये सीलिंग टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसको यूज़ करने का तरीका भी ऐसा है कि आप चाहें तो 10 साल चले, आप चाहें तो ये 2 महीने में ख़राब हो जाए। हम इसको बहुत ज़्यादा मेटेलिक पाइपों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपर के लिए बना हुआ है ये, और आहिस्ता से टाइट करके फिर इसको रीसेट कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम इसकी जो ये लेग्स हैं, इसके कैची जो बनी हुई है, इस पर बहुत एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते, वरना ये यहाँ से बेंड हो जाता। जब ये बेंड हो जाता है तो ये जॉज एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते हैं तो फिर ये प्रॉपर सीलिंग नहीं होती, फिर यहाँ से ये लीकेज कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है। ये देखिए दोबारा से इसको लगा रहे हैं प्रेस करके। अब हम ये कपलर खोल के और इसको सील करेंगे। हाइड्रोकार्बन चार्ज है, हाइड्रोकार्बन जलने वाली गैस है, लेकिन जब आपने यहाँ से इसको सील कर दिया तो अब किसी तरह के भी आग के लगने का कोई चांस है ही नहीं। तो कुछ लोग डरते हैं कि हम प्रोपेन है या आइसोब्यूटेन है या मिक्सचर है, इसको जब हम ब्रेज करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसा ना हो कि आग लग जाए। भाई बिल्कुल भी आग नहीं लगेगी, परेशान मत होइए। देखिए ये ब्रेज कर रहे हैं, और ब्रेजिंग के बाद हम ये जॉ को हटा लेंगे, पिंचिंग टूल बोलते हैं इसे हम। अच्छा, जहाँ पे हमने पिंच किया था वहाँ पे भी ब्रेजिंग कर देंगे, ताकि
हिलने डुलने से या कोई ऊपर नीचे करता उसको, तो वहां से ये ब्रेक ना हो। तो ये बिल्कुल हम लोग फाइनल कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर को ब्रेस करके, एक बार हम लोग इसका फाइनली लीकेज भी चेक कर लेंगे। देखिए इस पॉइंट को भी हम लोग दोबारा से हल्का सा यहाँ पे हम इसका मटेरियल गिरा देंगे, मेल्ट करा देंगे, और उसके बाद हम इसका ऊपर नीचे दोनों का लीकेज चेक करके साफ करके मशीन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग प्रॉपर वे में सही तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है, ड्रायर चेंज किया है, प्रॉपर क्लीनिंग करी है, चोक टेस्टिंग करी है, चोक टेस्टिंग करने के बाद अच्छे से वैक्यूम किया है, तोल के गैस चार्ज की है, ना एक ग्राम कम ना एक ग्राम ज़्यादा, उसके बाद ध्यान से चीज़ों को ब्रेज किया है, थोड़ा थोड़ा केयर करते गए हैं, और इस एपिसोड में, इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे प्रोसेस में हमने सिस्टम प्रोसेस अच्छे इक्विपमेंट्स को फॉलो किया है। तो दोस्तों आप लोग भी बढ़िया से काम कीजिए, खूब पैसा कमाइए, और ज़रूरत नहीं है कि हम किसी तरह से जुगाड़ करके जल्दी में काम कर दें, ज़रूरत है खूब इत्मीनान से अच्छे से बढ़िया काम कीजिए और खूब पैसा कमाइए, खूब शोहरत कमाइए। आपका दोस्त खुर्रम कासमी, थैंक यू वेरी मच।